एक वो सैटेलाइट है जो अंतरिक्ष में घूम के लोगों के सिग्नल पकड़ता है, और एक सैटेलाइट हिंदुस्तान की सरहद पे है जो लोगों को कनेक्ट करता है अपने ही स्टाइल में। सारे तैयार? ओए भंडारा का खोतो, उड़े रोटी खाती सी, आते ही छोड़ोगे तुम लोग यार। एक कौन सा सैटेलाइट है जिससे दुनिया भर की जुबानें तू कैच कर लेता है? सर मैं जुबान कैच नहीं करता सर, सर फीलिंग्स होती है ना सर, वो कैच करता हूं। सर मैं घर जाना चाहता हूं। घर कहाँ है? पोलाची। मुझे तुम्हारा सैनिक शपथ चाहिए सोल्जर। सर मैं सोमवार सुबह बेस पर हाजिरी के लिए मौजूद रहूंगा सर, एक सैनिक शपथ है। शंकर तू घर आ रहा है ना? अरे यहाँ फोन करने की फुर्सत नहीं मिल रही और तू घर आने वाली बात कह रही है। मेरे पापा फंसे हुए, कैसे आएंगे? मैं लाऊंगा ना। प्रॉमिस? सोल्जर्स प्रॉमिस। तू है कौन? फौजी भाई, आप सबका रक्षक हूँ। मुझे तो बॉर्डर पे जाना है। आप पर एग्जैक्ट क्या चार्ज लगाऊं? अटेम्प्ट ऑफ मर्डर का चार्ज लगाओ। उनमें से कोई भी नहीं मरेगा। मैं ट्रेन दुश्मनों को जान से मारने के लिए, और वो लोग मेरे दुश्मन नहीं थे, इसलिए जैसा मारना चाहिए था वैसा नहीं मारा। इस वक्त इस देश में तुमसे बड़ा हीरो कोई नहीं है। नहीं हूँ मैं कोई हीरो। आपने अमर जवान ज्योति का राइफल और उस पर टंगा हुआ हेलमेट देखा है? वही मेरी पहचान है, उसे कोई अलग पहचान नहीं चाहिए मुझे। ये जो कुछ भी हो रहा है ना आपके साथ, ये देश कर रहा है अपने सोल्जर के लिए। अरे तुम्हें पता है कितनी मुश्किल से इनको छुट्टियां मिलती है? बीबियां तरस जाती है अपने पति का मुंह देखने के लिए, और माएं तरस जाती है उनको खाना खिलाने के लिए, पर तुमने एक फौजी को उसके घर जाने से रोका। उसने हमारे लिए अपनी छुट्टी गंवा दी, क्या हमारा इतना भी फर्ज नहीं बनता कि हम उसे उसके बेस तक पहुंचा के कम से कम उसकी सैनिक शपथ की लाज रखें? जिस देश को बांटने वाली हजार चीजें हैं, उसे एक सिपाही ने जोड़ दिया।